इस वीडियो में AIP एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे पास करें, बहुत ही बढ़िया मैं आपको जो है रास्ते बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को देखे बिना पूरे मत जाइएगा। एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ, जो भी बताऊँगी बहुत ही बढ़िया रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले आपको क्या करना है, बैरेट्स। अगर आप 2016 में फेल हो गए थे तो अगर आपके पास जो बैरेक्ट्स रखे हुए हैं विद नोट्स विदाउट नोट्स उसमें से देख लीजिए, इट्स ओके। लेकिन अगर ये वीडियो आप नए स्टूडेंट्स देख रहे हो जो 2018 में अभी देने वाले हो, सॉरी AIB एग्ज़ाम 18 देने वाले हो, तो वो जो है गाइडेंस के मुताबिक शॉर्ट नोट्स या विदाउट नोट्स ले लें तो बहुत बढ़िया है बैरेक्ट्स, क्योंकि बाद में कोई नोटिफिकेशन आ जाए एकदम से BCI के द्वारा कि अब ये नहीं चलेंगे, विद नोट्स वाले नहीं चलेंगे, फिर आप उस टाइम पे आपका जो है खर्चा बढ़ जाएगा, फिर आप हो सकता है ले जाएं हो सकता है ना ले जाएं, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो विदाउट नोट्स आप जो है बैरेक्ट्स बाय कीजिए, क्योंकि बैरेक्ट्स का इतना ही रोल है। वहाँ पे 3 घंटे का टाइम मिलता है आपको, और 3 घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और बैरेक्ट्स का काम सिंपल सा है कि देखना कि ये जो सेक्शन है, धारा है, ये इसके अंतर्गत इस पेज पर है, ठीक है। क्या करेंगे आप विद नोट्स का और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का कोई है ही नहीं उसका रोल, तो फ़ायदा नहीं ना। अगर आप नए नई किताबें खरीद रहे हो बैरेक्ट्स, तो विदाउट नोट्स की खरीदिए। अच्छा, 10 ईयर बहुत बड़ा रोल है 10 ईयर का, बट 10 ईयर आप जो है पढ़ेंगे मस्ट। 2010 के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब जो अधिवक्ता बनेंगे वो एक्सपीरियंस के साथ, इन्हें पता ही नहीं चलता कि सारे मतलब ये एग्ज़ाम ये पता करवाएगा कि किसी जो अधिवक्ता बनने वाले हैं, जो लोगों के क्लाइंटों के केस लेंगे, क्या उनको इतना बेसिक सा नॉलेज है। तो इसलिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो 2011 से 2023 तक का 10 ईयर आप कंप्लीट कर डालिए। ऑब्जेक्शन टाइप सारे ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, आप जो है उनके आंसर्स रीड कर डालिए, ठीक है। बैरेक्ट्स भी तभी सर्च कर पाएंगे, उनमें भी तभी क्वेश्चन के आंसर सर्च कर पाएंगे जब आपको पता रहेगा भाई ये इंडियन पैनल कोड में से है ये सेक्शन, ये क्वेश्चन जो है CPC में से है, ये क्वेश्चन CRPC में से है, ठीक है। तो इस तरीके से आप तभी तो उस बैरेक्ट्स में सर्च कर पाएंगे, इतना तो बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। इसीलिए मैं आपको जो जो बता रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे अब कर लेते हैं बिल्कुल काम की बात कि मैडम यहाँ पे कैसे हमें एग्ज़ाम देना है। देखिए, आपकी डेट अनाउंस हुई एग्ज़ाम की, उसके जो है 10 से 15 दिन के अंदर आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। डेट अनाउंसमेंट के 10 से 15 दिन के अंदर एडमिट कार्ड आता है। एडमिट कार्ड आने के बाद 1 हफ्ते के अंदर आपकी जो है एग्ज़ाम हो जाता है। 1 हफ्ते बाद एग्ज़ाम होने के बाद आपका 25 से 30 दिन के अंदर आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है। 25 से 30 दिन के अंदर क्या होता है, आपकी आंसर की जो होती है वो भी रिलीज़ कर दी जाती है। आंसर की का मतलब ये है कि जो आपने क्वेश्चन किए थे वहाँ पे 100 क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चन आप वहाँ सॉल्व करके आए हैं, क्वेश्चन पेपर में आपने टिक जरूर किया होगा क्योंकि आपको घर पे आके टैली करना होगा ना, तो आपने 4 ऑप्शन में से एक वहाँ पे मार्क किया होगा, तो आप घर पे आके टैली करेंगे मेरा क्वेश्चन ठीक है कि गलत है। तो PCI क्या करती है, AIB की वेबसाइट पर आंसर की रिलीज़ कर देगी, ठीक है, AIB 18 की, उससे आप मैच कर लेंगे, ठीक है। कई बार गलत भी हो जाती है आंसर की, तो वो उसको बाद में रेक्टिफाई कर देते हैं रिवाइज्ड करके। अच्छा, अभी आपको पेपर में क्या करना है, पेपर में 3 घंटे का टाइम होगा आपके पास, आपको बैरेक्ट्स बार बार नहीं खोलनी है, आपको अपना क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ना है, 15 से 20 मिनट आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर में देना है। ये बहुत मेजर चीज़ है। देखिए, आपके हाथ में वॉच होनी चाहिए, आपके पास वॉच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बार बार ये सारा टाइम का खेल है। आपको हर क्वेश्चन के लिए टाइम मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है।
आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि इतने समय में मेरे को इस तरीके के क्वेश्चन मतलब इतना सॉल्व कर देना है, नहीं तो बाद में लेट हो जाएंगे, बैरियर्स भी नहीं देख पाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको क्वेश्चन पेपर रीड करना है। एक क्वेश्चन पढ़ा आईपीसी का है आईपीसी, सेकंड क्वेश्चन पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन का है CON, मतलब आपको कोड लिख देने हैं। अब आप बार बार आईपीसी खोलेंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन आपका सीआरपीसी में से आए, फिर आप सीआरपीसी खोलेंगे 15-16 किताबों में से, बहुत टाइम वेस्ट। क्वेश्चन पेपर पढ़ा, उसके आगे कोड लिख दिया, आईपीसी का है तो आईपीसी, सीआरपीसी का है तो सीआरपीसी, सीपीसी का है तो सीपीसी, इविडेंस का है तो इविडेंस, शॉर्ट में लिख देंगे। उसके बाद आप बेयर एक्ट्स खोलेंगे, आईपीसी के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से सर्च कर डालिए। इंडेक्स का बहुत बड़ा रोल है, इंडेक्स में से सर्च कीजिए। आईपीसी का क्लियर हो गया, अब सीपीसी का खोल दीजिए, सीपीसी के इंडेक्स में से जल्दी जल्दी उसमें आप लिख दीजिए। उसके बाद सीआरपीसी, सीआरपीसी खोला, इंडेक्स खोला, पेज नंबर खोला, देखा टैली है, ठीक है, लिख दिया। इस तरीके से आप पहला स्टेप आपका क्लियर, ठीक है। इस तरीके से आप टाइम मेजरमेंट, टाइम के हिसाब से क्वेश्चन पेपर भी रीड करना है, समझना भी है, देखना भी है, बैरेक्ट से भी देखना है। 3 घंटे मान लीजिए, मानिए बात को, कुछ नहीं होते वहाँ पे। हमें लगता है कि 3 घंटे बहुत है, हम तो बहुत कुछ कर लेंगे यार, ऑब्जेक्टिव टाइप है, 100 क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बहुत प्लस पॉइंट है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन पेपर करना है सॉल्व, 100 के 100 क्वेश्चन करने हैं आपको, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो हम ये मौका क्यों छोड़ें। 100 के 100 क्वेश्चन आप करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो जाएगा। 40 नंबर वाला पास है, ठीक है, जनरल कैटेगरी वाला, और 35 वाला कौन पास है, जो SC कैटेगरी यानी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है। तो मार्क्स आपके इस तरीके से मिलेंगे। अच्छा, 2016 के पेपर में क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। 2016 में क्या किया BCI ने कि 5 क्वेश्चन जैसे बच्चे पेपर दे के आए, 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आए, अचानक से 5 क्वेश्चन लेस कर दिए उसमें से, कि अब जो नंबर मिलेंगे वो 95 में से मिलेंगे, और SC जो जनरल कैटेगरी के हैं वो 38 वाले पास है, क्योंकि 95 क्वेश्चन कर दिए हैं, और जो SC वाले हैं वो जो है 35 वाले पास होंगे, और जनरल कैटेगरी वाले 38 वाले पास होंगे। भाई जिनके जो 5 क्वेश्चन जो आपने लेस किए हैं, वो जो राइट करके आया है पूरे 5 के 5 या 4, उसका तो लॉस हो गया ना। तो अचानक से ना ये नोटिफिकेशन भी दे देते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर तो कुछ नहीं कर सकते, एग्ज़ाम देने के बाद तो कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए ये सब होता रहता है। 2017 में जो है आंसर की गलत डाल दी गई, फिर उसको दोबारा से रिवाइज करा गया, दोबारा से रिवाइज किया गया, फिर सही किया गया, फिर बच्चों कई सारे बच्चे तो कंफ्यूज हो गए कि हम सर्च कैसे करें। अभी मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब भी आप आंसर की सर्च करें तो ऊपर एक सर्च का आइकन है, ये डंडा और गोल सा ही सर्च का आइकन आप समझते हैं, कंप्यूटर में सबने देखा होगा, फ़ोन में। तो उसमें आपको टाइप करना है अपनी लैंग्वेज, इंग्लिश, मराठी, हिंदी है तो हिंदी, बांग्ला है तो बांग्ला, तब आपका जो है आंसर की निकल के आएगा, तब आप मैच करना उससे। मैं आपको बहुत चीज़ें डिटेल में यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको ये सब। आप बच्चों इस बीच में कहना चाहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए 1 सेकंड का टाइम निकल के, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। और आपको मैंने बताया मोटा मोटा, आपको टाइम मेजरमेंट का आपको बहुत ध्यान रखना है, टाइम पे पहुंचना है, ठीक है, आपको एग्ज़ाम सेंटर में टाइम पे पहुंचना है। नेक्स्ट मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर दिल्ली NCR के हैं तो एग्ज़ाम सेंटर आपका कहाँ कहाँ पड़ सकता है मोस्टली, ठीक है। और 100 क्वेश्चन आएंगे, ये सब आपको पता है क्राइटेरिया। जनरल वाले 40 नंबर वाले पास हैं, ठीक है, एक नंबर भी अभी हो गया ना डाउन तो फेल, ठीक है, फिर रिग्रेट करते रहो कि भाई एक नंबर के चक्कर में फेल कर दिया। तो फिर इसके लिए ऐसा करना आप कि जो रीचेक का एक फॉर्म लिंक वो डालते हैं AIB की वेबसाइट पर, फिर रीचेक के लिए भी आप डाल सकते हैं, अगर आपको डाउट है कि इतने क्वेश्चन मेरे राइट थे। फिर सीट देखने का भी प्रोसीजर है, ठीक है, RTI डाल के सीट देख सकते हैं।
आपको जो है वहाँ पे हेड ऑफिस में, दिल्ली का जो हेड ऑफिस है वहाँ पे जो है आप जाकर अपनी सीट चेक कर सकते हैं। यही प्रोसेस होता है। वो आपको टाइम स्लॉट देंगे। टाइम स्लॉट का ये मतलब है कि इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक के बच्चे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर उस स्लॉट में आपका रोल नंबर फिट बैठता है तो वो ले लेंगे। टाइम आपका फिक्स हो जाएगा 10 से 1, 10 से 12 डेट, तो उस स्टेज पे आप जा सकते हैं। अगर आप दिल्ली NCR के हैं, यानी कि नोएडा के हैं, फरीदाबाद के हैं या दिल्ली के हैं, तो आपके लिए बेटर है। अब आप दूर हैं, महाराष्ट्र में बैठे हैं, केरला में हैं, नॉट पॉसिबल, तो इसके लिए भी अलग प्रोसेस है। वो भी मैं वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। तो रीचेक की जो फीस है वो है 200 रुपये मात्र। 200 रुपये में आप अपनी सीट रीचेक करवा सकते हैं। OMR सीट जो आपने एग्ज़ाम दिया भाई, वो तो कंप्यूटराइज चेक होंगी, वो तो कंप्यूटर में डाल दिया तो वो निकल के आ जाएगी। जो होगा, जो जितने मार्क्स आ जाएंगे वो अपडेट हो जाएंगे, वो कर देंगे, ठीक है, जितने राइट होंगे। तो ये था पूरा प्रोसेस स्टूडेंट्स। और मैं इस वीडियो में क्या हेल्प कर सकती हूँ आपके? अच्छा, जो डाउट हैं आपके, प्लीज़ आप कमेंट दीजिए मुझे, कोई भी कमेंट है देखिए। और मैं आपको बताती हूँ जनरली बच्चों के क्या डाउट होते हैं। ये 3500-3600 रुपये फ़ीस है, तो ये दोबारा देनी पड़ेगी अगर अनफॉर्चुनेटली हम फेल हो गए। हाँ जी स्टूडेंट, दोबारा देनी पड़ेगी। जो भी स्टूडेंट फेल होगा उसको जब दोबारा से एग्ज़ाम होगा ये फ़ीस दोबारा देनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें जो है कोई भी मनाही नहीं है। दोबारा देनी पड़ेगी, तिबारा देनी पड़ेगी, जितनी बार फेल होंगे तो उतनी बार देनी पड़ेगी, ठीक है। तो कोशिश कीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालने की। फिर भी नहीं निकलता है तो फीस तो लगेगी दोबारा। अच्छा, 2 साल में, 1 साल में 2 बार पेपर होते हैं, ठीक है। 2 साल बाद कुछ नहीं होने वाला है, 2 साल बाद भी टाइम मिलेगा आपको, डरिए मत। 2 साल बाद भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन आपका जो वो लाइसेंस है ना, आपका जो टेम्प्रेरी लाइसेंस है वो 2 साल का है, और जो परमानेंट बनता है ना वो AIB एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ही बनता है। तो 2 साल में कैंसिल हो जाएगा और वो फिर आपको टेम्प्रेरी भी नहीं मिलेगा। वो अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा कि भाई आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अभी 2 साल के अंदर तो आप अपना वकालतनामा भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया है, आप केस लड़ना चाहते हैं, क्योंकि टेम्प्रेरी अभी आपके पास अथॉरिटी है। लेकिन 2 साल में अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए तो अथॉरिटी नहीं रहेगी, ठीक है। फिर जब आप ये क्लियर कर देंगे एग्ज़ाम, फिर उसके बाद आपके पास दोबारा ये पावर मिल जाएगी आपको। तो आई होप मैंने मतलब सारे ही क्वेश्चन इसमें इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। फिर भी कोई कुछ रह गया हो तो आप इसमें ना कमेंट मेरे को दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।